अंदर ये पिंक है, थोड़ा सा रेड है। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और ये नवरात्र नवमी के फर्स्ट एक दिन पहले का ब्लॉग है, रात का, नाइट का। तो मैं छोले फुला रही थी क्योंकि नवमी वाले दिन मुझे छोले बनाने हैं। तो मैंने नाप लेती हूँ, गिलास से नाप लेती हूँ, तो मैंने एक गिलास से थोड़ा कम अपने घर के लिए बनाती हूँ मतलब। और तो मैंने एक गिलास छोले और आधा गिलास और डाल दिया था, क्योंकि लड़कियाँ वगैरह कन्याएं वगैरह आएंगी, उनको भी जिमाना है। तो फिर मैंने छोले फुला दिए हैं। और इधर मैंने रात को ही पेस्ट बनाकर टमाटर का रख लिया था, हरी धनिया काट ली थी। तो मैंने सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें मैंने रात को इसलिए कर ली थी कि जब आप दूसरे दिन करेंगे तो आपको रात को तैयारी होनी चाहिए। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कर ली थी। और ये दूध भी मंगा लिया था खीर के लिए, तो सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता, तो मैंने दूध भी अलग से एक्स्ट्रा मंगा लिया था। तो वो रख दिया था खोला कर फ्रिज में, ठंडा हो गया था। तो ये दूध मैं दिखा रही थी। और फिर मम्मी का ब्लॉग है जब मैं खीर बना रही थी। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये ऐसा करती हूँ। और हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि का आज नवमी है, हैप्पी नवमी। तो आज नवमी है और इधर माइक चल रहा है, मेरे यहाँ नौ दिन पूरे दिन माइक चला है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है इससे, बहुत ज़्यादा देखिए गाने बज रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात भी कर ली जाए। तो अभी मैंने सुबह तैयारी लगा कर, मतलब आधी तैयारी तो रात को कर दी थी, आधी सुबह कर दी थी बिना नहाए हुए, कि जो मतलब बिना नहाए हुए तैयारी कर सकते हैं वो कर दी थी मैंने। तो मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। तो मैंने रात को ही, मतलब छोले तो रात को ही फुलाए जाएंगे, लेकिन मैंने हरी धनिया भी काट कर रात को रख दी थी जो काटने वाला था। और टमाटर का पेस्ट भी आप रात को ही बना कर रख दीजिए, जैसे छोले वगैरह बनाने हो या पनीर वगैरह बनाना हो, जिसमें आपको पेस्ट की ज़रूरत पड़ रही है टमाटर वाले, तो वो बना कर रख दीजिए। तो आपको फ्रिज में रख दीजिए तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी सुबह जब ऐसे त्यौहार वगैरह या कोई फंक्शन वगैरह होते हैं। तो मैंने टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है और मैंने आपको भी दिखाया भी। और मैंने भिंडी सुबह बिना नहाए हुए काट ली थी, तो मैं नहाने गई थी, तो मुझसे जितना हो पाया मैंने काम सुबह कर दिया, जल्दी जल्दी निपटा दिया। अब नहाने के बाद मैंने खीर चढ़ा, सबसे पहले मैंने खीर चढ़ाई और छोले चढ़ाए, क्योंकि मैंने सोचा चलिए सबसे पहले मीठे से बनाती हूँ आज का। तो मैंने खीर बना ली और मैं बनाने चल रही हूँ खीर, छोले, भिंडी और पूड़ी, तो यही बस बनाऊँगी। तो अभी तो पूजा भी करनी है, हवन भी करना है, तो मेरे यहाँ पंडित जी वगैरह तो नहीं आते, मुझे करना है। तो मैं अभी हवन भी करूँगी, पूजा भी करूँगी, और इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ। 9 बज चुके हैं, तो अभी खीर चढ़ी हुई है, तो इधर मैं पूजा की तैयारी भी कर रही थी। भगवान जी को पहले नहला बैठा दूँ, और जो भगवान नहलाने वाले हैं तो उनको नहला दूँ, उसके बाद मैं माता रानी की सेवा वगैरह करूँगी। पाठ पाठ तो मैंने 13 जितने मैं करती हूँ कल मैंने निपटा दिए थे, लेकिन हाँ जो सतसती का पाठ करना है वो मैं करूँगी। तो अभी बस अभी फिर भी 1 घंटा मेरा लग जाएगा उसको पूजा वगैरह में। तो मैं जल्दी जल्दी आटा मैं गूंथाई हूँ, अभी नहा कराई थी, तो मैंने जब आप लोगों को दिखाया था तो मैं आटा भी गूंथ ली। चलिए चलती हूँ किचन में, आप लोगों से फिर मैं किचन में मिलती हूँ। तो ये देखिए खीर चढ़ा दी थी मैंने पहले, तो ये खीर हो चुकी है, थोड़ी सी रह गई है, तो मैंने इसको चढ़ा रही थी। तो मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल दी है, और चीनी होने के बाद मैं थोड़ी सी देर और खोलाऊँगी, क्योंकि अच्छी तरीके से जब भी बनेगी, जब चीनी, क्योंकि चाशनी छोड़ती है तो इसलिए चीनी भी थोड़ी देर खोला लूँगी। और इधर मैंने भिंडी भी चढ़ा दी है, क्योंकि भिंडी भी मैंने काट कर रख ली थी, तो मुझे बहुत आराम है, बस मैं नहा कर आई। और पहले मैंने खीर चढ़ाई, फिर इधर मैंने भिंडी चढ़ाई, कढ़ाई चढ़ाई, तो बस वही ऑयल। और भिंडी में मेथी अजवाइन से छौंकती हूँ, तो मेथी डाल दी थी जो मिल गया आज जल्दी जल्दी। तो ये खीर है और ये भिंडी छौंक दी, तो इसमें हल्दी पाउडर है, थोड़ा धनिया पाउडर है और मिर्च पाउडर, हरी मिर्च मैंने पहले ऑयल में चॉप करके 2 डाल दी थी। तो ये देखिए भिंडी भी मैंने छौंका लगा दिया है, भिंडी भी तैयार हो रही है। तो बस लास्ट में नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, और भिंडी में वैसे भी थोड़ा नमक कम ही जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी भिंडी थोड़ी पच जाती है तो थोड़ी रह जाती है। तो बस मैंने बिल्कुल सिमाज कर दी, उसको ढक दिया। और इधर मैं दिखा रही थी, तो मैंने गरी कद्दूकस करके रख लेती हूँ, वैसे मैंने ये कल नहीं पहले ही करके रख लेती हूँ। तो ये कभी होता है ना कि कभी ऐसी त्यौहार होता है या किसी चीज़ में डालना होता है, तो गरी हुई चीज़ें, कसी हुई चीज़ें होती हैं, जैसे गरी वगैरह तुरंत कसो तो टाइम भी लगता है, इसलिए मैंने गरी कसी रखी थी, तो मैं आपको वही दिखा रही थी। तो ये सब बहुत आपके हेल्पफुल रहेगा आप अगर पहले से तैयारी करके रखें। तो ये छोले भी उबल चुके थे। और इधर माता रानी की मैं सेवा करने जा रही थी, थोड़ी तैयारियाँ कर ली थी, थोड़ी रह गई थी, तो मुझे अब बस माता रानी की पूजा करनी है, तो बस पूजा हो जाएगी।
और इधर अंशु से मैंने मंगवाया था जो कन्या वगैरह आएंगी कन्या भोज के लिए, कन्या भोजन के लिए, तो मैंने सोचा बर्तन होंगे, ढेरों बर्तन हो जाएंगे। आज बहुत ज़्यादा काम है, थकी हुई हूँ, तो फिर दिल नहीं करेगा बाद में। वैसे तो खाने बनाने के होंगे, लेकिन फिर और कन्याओं के मतलब, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है आज दोना पत्तल ही मंगा लिए जाए। तो उसमें देखिए मैं आपको एक और फूल दिखाती हूँ, आज बड़ा अच्छा सा फूल आया है माता रानी को चढ़ाने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाऊँ, मुझे इसका नाम नहीं पता है क्या है, तो मैंने सोचा चलिए आपको दिखाती हूँ। ये अंदर ये पिंक है, थोड़ा सा रेड है, अंदर से ग्रीन है और येलो वाइट है अंदर से, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरह अभी माता रानी को चढ़ाऊंगी। क्या लिया है? ले बिस्कुट है और कुरकुरे हैं। ये कितने हैं? 12-12। सही है, कटोरी खुली नहीं थी क्या दुकान? ठीक है चलो यही सही है। आकर मैं पूजे में लग गई थी, पूजा मेरी ज़्यादातर हो चुकी थी, माता रानी की सब साफ सफाई हो चुकी थी, बस नारियल मंगाया था, तो एक नारियल मैंने पहले सुबह के दिन चढ़ा दिया था और आज ये कच्चा नारियल मंगाया है तो पानी वाला, तो वो मैंने चढ़ा दिया है, उसमें सतिया वगैरह बना ली थी वो चढ़ा दिया है। तो और इधर हवन की तैयारी कर रही थी, मुझे पाठ करना, तो मैंने पहले हवन में जो सब कुछ मिलाया जाता है, तो घी शक्कर और मेवा वगैरह जो सब कुछ था वो मैंने हवन में मिला कर रख दिया है, तो मेरी तैयारी। और ये आम की लकड़ी आ गई थी, तो आम की लकड़ी भी मैं तोड़ तोड़ के रख ली थी, तो पूजा पाठ सब हो गया था। उसके बाद हवन करना था, तो इनके पापा बाहर थे, तो मैंने अंशु को बिठा लिया था, मैंने कहा चलो अंशु तुम हवन कर लो मेरे साथ, तो मैं और अंशु हवन करने जा रहे हैं, तो अंशु हवन की तैयारी कर रहा है, तो मैं लकड़ी तोड़ तोड़, लकड़ी पतली थी जल्दी सूखी भी थी, बहुत अच्छे तरीके से हवन हुआ, तो मैंने कपूर लगा दिया था, बस देखिए कितनी अच्छी तरीके से पकड़ ली, और माता रानी शायद खुश है तो इसलिए हवन हो रहा है, तो बस मतलब हवन तो हो ही रहा है लेकिन माता रानी खुश है, तो बहुत अच्छे तरीके से लौ निकली। तो ये देखिए लौ को मैं जो आँच निकल रही उसको बोल रही हूँ, तो अंशु घी की आहुति दे रहे हैं और मैं हवन सामग्री की दे रही हूँ, तो बस जितना मुझे आता है उतना मैंने कर लिया, और जो नहीं आ रहा है तो मैं माता रानी से क्षमा मांग ले रही हूँ कि माता रानी मुझे जितना आता है मैंने उतना मन से किया है, तो आप उसको स्वीकार करिएगा। तो बस मैं हवन सुहवन करे ले रहे हैं, आप लोग ने किस तरह से नवमी, किसी के यहाँ अष्टमी को हवन होता है, किसी के यहाँ नवमी को, मेरे यहाँ अष्टमी को भी कर सकते हैं लेकिन नवमी को होता है तो मैं नवमी को ही करती हूँ, बहुत लोग यहाँ नवमी को व्रत खोल दिया जाता है मतलब अन्न खा लिया जाता है, लेकिन मेरे यहाँ नवमी तक पूर्व होता है, जब हवन हो जाता है कन्या नवमी वाले दिन खा लेती तब हवन व्रत खुलता है, मैं तो व्रत वैसे तो रही नहीं थी, मेरे यहाँ रहा ही नहीं जाता है। तो फिर इनके पापा भी आ गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी आहुति है तो तुम भी दे लो आके, 5 बार 7 बार 2 बार जितने बार देनी हो, तो ये भी बैठ गए थे, तो फिर इनको भी होता है ना कि जब आहुति देना हो तो जितने लोग भी आ जाए तो 5 बार दे दे 2 बार दे दे, तो बस वही आ गए थे ये, तो फिर उन्होंने भी आहुति दे दी थी, बस हवन वगैरह हो गया है। तो उसके बाद नारियल थे तो नारियल इन्होंने कर दिया है, इसका पानी देखिए, तो इन्होंने नारियल भी अर्पण कर दिया, और जो दूसरा पहले दिन चलाया था उसको अंशु ने माता रानी को अर्पण कर दिया, तो ये देखिए और इधर आती हो चुकी है, आप लोग भी आरती ले लीजिएगा, मैं माता रानी के दर्शन तो करा दूँ आप लोगों, तो ये लीजिए आज फिर नवमी दिन, आज लास्ट डे है माता रानी का, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। देखिए माता रानी का रूप कितनी खूबसूरत सी लग रही है, ये गणेश जी लक्ष्मी जी बैठे हैं, और ये देखिए भोले बाबा, और ये हवन हो गया है हमारा, ये देखिए ये कन्हैया जी इधर बैठे हैं, तो आप लोग आरती ले लीजिए। अभी रेसिपी तो पूरी तैयार शेयर नहीं करूँगी, आज बहुत ज़्यादा काम है, तो ये कुरकुरे और ये अंशु बिस्किट भी ले आए थे मतलब, और फिर इनके पापा बाद में कटोरी भी ले आए, तो मैंने कहा था पहले कटोरी, लेकिन दुकान वगैरह नहीं खुली होंगी सुबह और कल भूल गए थे, तो फिर आज ले आए हैं, तो मैंने कहा था कुरकुरे ये ले आए हो, चाहे बोले कितना भी दे दो माता रानी, तो कटोरियाँ तो बहुत अच्छी लग रही है, मैं आपको दिखाई ये कटोरी है, ये देखिए कटोरी अच्छी लग रही है, इसी में खीर दे देती हूँ, ये है पता नहीं कितनी है, जितनी भी हो अगर कम पड़ेंगी फिर आ जाएंगी, तो ये कटोरी है, भिंडी बन चुकी है, ये खीर बन चुकी है।
और बस इधर छोले हवन करने के बाद फिर मैंने छोले उबाल के रखी दिए थे, तो बस कढ़ाई में छौंकने हैं। तो मैंने ऑयल डाल दिया, प्याज वगैरह डालना नहीं आज, तो बस हींग डाल दिया और टमाटर का प्यूरी जो बनाकर रखी थी। बताया ना कितनी जल्दी काम हो जाता है अगर आप तैयारी करके रख लें पहले से एक दिन पहले, और तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है दूसरे दिन जब आपको ऐसे त्यौहार या कोई फंक्शन वगैरह पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो बस वही मैंने किया था, तैयारी वगैरह कर ली थी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो। फिर मैंने मसाला वगैरह डाल दिया है, बस छोले बन के 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। जब तक कन्या वगैरह आएंगी तब तक छोले बन जाएंगे, इधर मैं पूड़ी निकालती रहूँगी। तो बस वही हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर ये सब डाल दिया है और छोले मसाले भी डाले हैं। तो लोग कहते हैं कि इस छोले मसाले में प्याज नहीं होता है, तो मैंने पढ़ा भी है इसमें प्याज नहीं था तो ही मैंने छोले मसाला भी डाल दिया है। और बस थोड़ा सा पानी कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और उसकी खोल आएगी। इधर गैस में छोले चढ़े हैं और इधर ये ऊपर दिखा रही थी मैं चटाई वगैरह जो होती है, मैं ऊपर गलीचे जो कारपेट वगैरह होते हैं मैं ऊपर रख देती हूँ। यहाँ पर मेरे बना हुआ है ड्राइंग रूम में, रूम बेडरूम में भी बना हुआ है लेकिन मैं यहाँ पर रख देती हूँ। बहुत आराम से जब कन्या वगैरह खिलानी हो या कुछ भी ऐसा हो, चटाई का काम हो या कारपेट, सर्दियों में मैं डालती हूँ, गर्मियों में नहीं डालती। तो ये चटाई मैंने डाल दी थी, अमसुन निकाल दी थी डाल दी और इधर मैंने पूड़ी लगाने लग गई कि कन्या आएंगी बैठेंगी जब तक पूड़ी भी गर्म गर्म बनती जाएंगी, छोले बन ही गए हैं, भिंडी खीर सब तैयारी हो चुकी है। और मैंने इधर अंशु से बोल दिया था कि नारियल के जितने भी कन्या लंगूर वगैरह आएंगे तो उसके थोड़े थोड़े से नारियल के पीस कट कर करके रख लो, केला निकाल कर रख लो और पैसे निकाल कर रख लो, ये सब चीज़ देना रहेगा तो जल्दबाजी रहेगी। तो मैं अंशु वही सब बोल रहा था तो अंशु बाहर कर, अंशु मेरी हेल्प करा लेता, बहुत ज़्यादा करा लेता है, तो बस वही सब निकाला था। तो उसने नारियल के जो इतने थे थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पीस कर लिए थे कन्याओं के लिए, और केले निकाल के रख लिए थे, पैसे निकाल कर रख लिए थे, और जो सामान देना था कुरकुरे चिप्स और बिस्किट और कटोरी तो सब उसने निकाल कर रख लिए थे। और ये देखिए मैं माता रानी को भोग लगाने चल रही हूँ, जो सब सामान बनाया था तो छोले थे, खीर थी, पूड़ी थी, पापड़ भून लिए थे, भिंडी की सब्जी थी, तो इतना ही बनाया था। वैसे रायता वगैरह भी बना सकती थी लेकिन रायता वगैरह कोई खाता नहीं। फिर बच्चों में भी यही होता है, कन्याओं में भी, कि पता नहीं कौन क्या खाए, फिर ज़्यादा बना लूँ वेस्ट जाए, फिर खाने वाले तो थोड़े ही लोग हैं। तो फिर इसीलिए मैंने वो भी समझ कर थोड़ा ही बनाया था कि एक सब्जी है उस छोले बना लेती हूँ, और बच्चों को ज़्यादातर छोले ही पसंद आएंगे, पूड़ी छोले खाएंगे, थोड़ी बहुत खीर खा लेंगे, तो बस वही बना लिया था। और ये देखिए लंगूर, एक नहीं ढेरों लंगूर, ढेरों कन्याएं आती हैं मेरे यहाँ बड़े मन से और पूरा पड़ जाता है माता रानी की कृपा से। और ये मेरे छत में मैंने सबको ले आई थी पैर धोने के लिए, पहले तो मैं पैर सब कन्याओं के लंगूरों के धो रही थी, तो ये देखिए सबके पैर धो रही हूँ। और इधर अंशु जो सबको बैठा दिया है, सब लोग अब बच्चे छोटे छोटे से होते हैं तो मुझे दो मुझे दो मुझे दो तो बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन उन लोगों को सबके पेट भरे होते, बस उनको ये होता है कि मुझे कुछ मिल जाए, सब बच्चों को होता है, और इसी वजह से वो आते हैं कि मुझे पैसा कितने मिले, कितने तुम्हें मिले, तो ये सब बच्चे करते हैं तो बड़ा प्यारा भी लगता है। तो बस बच्चे सब खिलाया पिलाया दिया, सब चले गए, खुश होकर गए सब बच्चे। और इसके बाद जो धोना पत्तल थे मैंने इसी तसले में भर कर रख दिया कि दूसरे दिन मैं डाल दूँगी, ऐसे रख दिया तो किनारे रखा रहेगा तो सुबह सड़क पे मैं डलवा दूंगी। और बस मैं अपने वीडियो कहीं पे एंड भी कर रही हूँ, वीडियो लंबा हो रहा है, शाम को मंदिर भी जाना है, तो इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए आप फिर बने रहिएगा मेरे वीडियो में। जय माता दी।